सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और एक बात बताता हूँ, मैं काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली मेरे को ब्लॉग शूट करे, क्योंकि अभी मेरे पास ना फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा, तो ना मैं वीडियो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने एक नया फ़ोन परचेज़ किया, जो कि ये है रियलमी GT 60, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो क्वालिटी वगैरह काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन ये बात की बात है, तो अभी तुम्हारे भाई का ब्लॉग हमेशा आता रहेगा। लेकिन एक बात बताता हूँ गाइस, देखो अभी जो है ना मैं अपनी बाइक पर, ये देखो शाम पीछे आपको मेरी बाइक दिख रही है, तो मैं जो है अभी अपनी बाइक पे बैठा हूँ, पता है, और मैं ना अकेले बैठा हूँ। तो ना मैं एक चीज़ नसीहत देना चाहूँगा ना, कि लाइफ में ना लिमिटेड दोस्त मत बनाओ। मतलब यूँ कहूँ ना तो कुछ कोई भी ना लिमिटेड फ्रेंड मत बनाओ यार। मतलब फ्रेंड सर्कल ना थोड़ा लंबा रखो, थोड़ा सा बड़ा रखो, क्योंकि देखो तुमको नहीं पता यार, मान लो कि तुम अपने फ्रेंड को बोलोगे कि चल भाई घूम के आते हैं, लेकिन वो बोलेगा भाई मैं बिजी हूँ या बंदी के साथ कहीं और जा रहा हूँ, लाइक कि वो आपको इग्नोर कर देगा या आपको टाइम नहीं देगा ना, या तो फिर आपका उससे कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो मान लो कि आपके गिने चुने दोस्त है, देखो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट जो भी है ठीक है। बट देखो अभी मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, अगर वही मेरी फ्रेंड सर्कल थोड़ी ज़्यादा होती ना, तो मैं यहाँ पर अकेले नहीं बैठा होता। मेरे साथ कोई ना कोई होता ज़रूर, मेरे दोस्त यारी कोई ना कोई होता, लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, क्योंकि जो भी दोस्त है ना गाइस बहुत बड़े वाले हैं। अब कॉल किया तो एक बोलता है भाई हूँ नहीं, एक बोलता है बंदी के साथ हूँ, और एक बोलता है कहीं और हो, गिने चुने 3-4 दोस्त हैं। तो मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, पता है, क्योंकि तुम अकेले बैठो यार, अकेले टाइम को स्पेंड करो। मानता हूँ अकेले में ही खुशी है, तो फिर ऐसे लौड़ा ऐसे दोस्त रखने का कोई मतलब नहीं है ना गाइस, प्रॉब्लम ये है। तो मैं यही एक ही चीज़ कहना चाहूँगा ना, कि जब भी अपनी फ्रेंड सर्कल बनाओ ना, दोस्त यारी बनाओ ना, तो थोड़ा लंबा बनाओ। मतलब थोड़ा सा ना अपनी सर्कल को ना थोड़ा चौड़ा करो, कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो या फिर आपके पास टाइम हो तो आपको घूमने जाना, आप किसी को बोलो वो मना कर दे, तो चलो कोई बात नहीं, कोई तो हाँ बोलेगा ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि यार कॉल करोगे तो वो बोलेगा भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे को बहुत काम है, या तो फिर मैं अपनी बंदी के साथ ये हो, क्योंकि आज के समय में ना बंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, दोस्ती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदी है। तो जाहिर सी बात है वो बंदी को इंपॉर्टेंस देगा तो बंदी के साथ चले जाएगा, तो तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं हुआ। तो दोस्त ऐसा रखो यार जो ना एक कॉल करने पर ना तुम्हारे पास आ जाए, समझ रहे हो गाइस। तो देखो अभी अकेला तुम्हारा भाई बैठा हुआ है और कोई है नहीं, तो जा रहा हूँ अकेले, अब मोमोज खाऊँगा और क्या ही कर सकता हूँ। तो गाइस वो देखो वहाँ पे जो है ना मोमोज के ठेले लगे हुए हैं ना, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और ना मोमोज लेके आऊँगा और बैठ के खाऊँगा, क्योंकि और तो कुछ रह नहीं गया है। दोस्तों को बुलाया तो कोई